हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वेलकम अगेन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। इन अवर प्रीवियस लेक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमने आइसोमेरिज्म की बात की थी और आइसोमेरिज्म में पर्टिकुलर दोस्तों हमने बेसिक एग्जांपल सीखे थे। उसके रिलेटेड जो कॉमन एग्जांपल होते हैं इन दी एनसीईआरटी वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने थे। उससे पहले दोस्तों हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी पढ़ा था। सेंट्रल मेटल आयन है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए लिगेंड से आउटर ऑफ दी कोऑर्डिनेशन एंटिटी काउंटर आयन से एक्सेट्रा। बट सपोज करें कुछ ऐसे सिम्टम्स और वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी भी हमारे लिए तो पहली है। अलग ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए पहली है? दैट मोस्ट ऑफ दी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड कंपाउंड। KMnO4, K2Cl2O7, Na2Cr2O7, K2Cr4 एक्सेट्रा। उसका कलर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कलर्ड। उसके बाद बात करें दोस्तों स्पेशल अरेंजमेंट और वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स, वेदर इट इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर और ऑक्ट्राहेड्रल एक्सेट्रा। उसके बारे में भी हमको कुछ मालूम नहीं या फिर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है बट दैट इज़ हाफ। देन देर आर सम मोर प्रॉपर्टीज, उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है। लाइक दोस्तों उसके अलावा हम बात करें डिरेक्शनल प्रॉपर्टीज इन बॉन्ड्स, तो वो भी हमको मालूम नहीं है। सो ये सभी लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन है? लिमिटेशन ऑफ दी वैलेंस बॉन्ड थियरी। सो लिमिटेशन ऑफ दी वैलेंस बॉन्ड थियरी आर डिरेक्शनल प्रॉपर्टीज बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसकी डिरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, अरेंजमेंट किस तरह से है। एबिलिटी और सर्टेन एलिमेंट्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की कैपेबिलिटी नहीं है दैट दे कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओनली अ फ्यू एलिमेंट कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसा क्या स्पेशल है उसमें? बिकॉज ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो दैट एबिलिटी एंड मैग्नेटिक एंड दी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टिल वो भी दोस्तों हमारे लिए एक पहली है। सो दे आर दी लिमिटेशंस ऑफ दी वर्नर थियरी। अगर ये लिमिटेशन है सो क्लियरली ये लिमिटेशन का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सो विगेन से है, इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? VBT से मिलेगा, वैलेंस बॉन्ड थियरी। कुछ हमको CFT से मिलेगा, क्रिस्टल फील्ड थियरी, लिगांड फील्ड थियरी एंड मोलेकुलर ऑर्बिटल थियरी। सर ये दोनों की अगर बात करें तो हमको मालूम है, हमने ये सुना है VBT एंड MOT। यस, आपने VBT और MOT पढ़ा है बट इन टर्म ऑफ गैसेस। आपने ये इन टर्म ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, नॉट गैसेस, आपने नॉर्मल मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा है। अपॉर द आयोनिक बॉन्ड और द कोवेलेंट बॉन्ड, मेजोरिटी आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही आपने ये पढ़ा है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नहीं पढ़ा है। सो वही टर्म होगी, कुछ इसी तरह के टॉपिक हम पढ़ेंगे बट यहाँ पे बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी से दोस्तों हमको स्टार्ट करना है। व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी? सर वैलेंस बॉन्ड इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट और उसके साथ किसी की पेयरिंग हो दैट इज बॉन्ड। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो बॉन्ड हो रहा है उसके रिलेटेड जो थियरी है उसको हम VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी बोलेंगे। बट इतना ईजी नहीं है जितना ईजी दोस्तों मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, और इतना हार्ड भी नहीं है कि आपके दिमाग तक ना पहुँचे। आपको ये पूरे लेक्चर में विद फुल कॉन्सेंट्रेशन ध्यान देना है। वैलेंस बॉन्ड थियरी हम देख रहे हैं बट फॉर विच कंपाउंड? हम कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर बेस रहेगा? ऑन द बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज फर्स्ट थिंग। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से एलिमेंट के साथ बनते हैं? फ्रॉम दी डीप लोक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट से बनते हैं। सो वैलेंस बॉन्ड थियरी पर्टिकुलर फॉर दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं यहाँ पे जो भी अभी टर्म लिखूंगा दोस्तों, जो भी टर्म आपको समझाऊंगा, दैट इज ऑन द बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन थियरी। सो वहाँ पे पहली एक चीज़ है दैट इज मेटल वहाँ पे है, एंड सेकंड दैट इज लिगेंड्स। इन दोनों के बेस पे हम काम करते हैं दोस्तों। मेटल और लिगेंड का जो रिलेशन है, दैट मेटल और लिगेंड का रिलेशन कुछ इस तरह से है। ये मेटल है और ये लिगेंड है। वी कैन से दिस लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मेटल, सो दे कैन कनेक्ट विथ ईच अदर वाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सर ये तो कुछ नया नहीं है,
ये तो हमने वैलेंस बॉन्ड सॉरी वर्नर थियरी में भी यही पढ़ा था, सो इसमें कुछ नया नहीं है अपने दोस्तों। वर्नर थियरी में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, दैट मोस्ट ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्ट ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक इज इन डी ब्लॉक एलिमेंट, बट उसके ज़्यादातर केस में हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है, दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 8 ऑल्सो, चैप्टर नंबर 8 में भी आएगा। एक्चुअली जिंक इज इन डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट को जैसे दोस्तों हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, सो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ये सब आपने 11th में भी पढ़ा है और चैप्टर नंबर 8 में भी दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मेटल की बात कर ले, मेनली मेटल कहाँ से होंगे, डी ब्लॉक से, और ज़्यादातर आपको जो याद रखना है डी ब्लॉक में से कहाँ पे, आपको 21 to 30 मीन्स आपको याद कहाँ से रखने हैं, स्कैंडियम टू जिंक। यहाँ पे दोस्तों मैं शॉर्टकट ट्रिक लिखने जा रहा हूँ जो आपको याद रखना है, दैट स्के टी वे क्रोमे आई मीन्स आयन को नी को जी, स्के टी वे क्रोमे आई को नी को जी, या फिर आपने और भी कोई शॉर्टकट याद रखी होगी उसके रिलेटेड काम कर सकते हो। सो ये कौन सा एटॉमिक नंबर है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। मोस्ट ऑफ द केस हमारा जो काम है दोस्तों यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, 21 to 30 आउट ऑफ 21 to 30 आपका काम, मोस्ट ऑफ योर वर्क विल फिनिश ओवर हियर, यहाँ पे कंप्लीट हो ही जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमको स्पेशली क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा क्या है, एडवांस क्या है दोस्तों, एडवांस दोस्तों यहाँ पे ये है दैट ये अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर इसकी अरेंजमेंट देखें, पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट, तो कुछ इस तरह से होगी। अगर मेटल की बात करें तो पहले हम लिख देंगे आर्गोन, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट मेटल बिटवीन 21 to 30, अगर 21 to 30 में से कोई मेटल आया नहीं ट्रांजिशन मेटल, देन आर्गोन, आर्गोन मीन्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आफ्टर 3p, 3d इज देयर, 3d, एंड आफ्टर 3d, 4s, आफ्टर 3d, 4s है, बट आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था आपने, दैट एज पर एज आउटबाउ रूल और वी कैन से एन प्लस एल रूल, 1s2 देन 2s2 देन 2p6 देन 3s2 देन 3p6 देन नॉट 3d10 बिफोर 3d10 4s2, उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन आएगी इन द डी ऑर्बिट। और आपने पढ़ा था देर इज टू एक्सेप्शन केसेस विच इज क्रोमियम एंड द कॉपर, पर्टिकुलर क्रोमियम एंड कॉपर, अगर दोस्तों हम बात करें कॉपर की, जेड इज इक्वल टू 29, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, 18 + 1 = 19, 20 21 22 23 24, देन पेयरिंग 25 26 27 28 29, हमारी जो डी ब्लॉक है वो फुल हो जाएगी, ठीक है, 4s1 ही रहेगा पर्टिकुलर इन दी कॉपर। सिमिलर इन केस ऑफ क्रोमियम, वहाँ पे दोस्तों कितने नंबर है क्रोमियम के, 24, सो 18 + 1 = 19, 21 22 23 24 25, हाफ फिल डी के जो पांच सब ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, सभी जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। और बाकी के अगर एलिमेंट की बात करें तो पहले क्या होगा, आर्गोन देन 4s2 देन 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, और उसके बाद पेयरिंग जो भी हो सकता है वो ये होगा। अभी दोस्तों एज पर एज वैलेंस बॉन्ड थियरी, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स अवर ट्रांजिशन मेटल इज इन अ प्योर फॉर्म, मतलब वो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इन स्पेशल केस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किए हैं, न्यूट्रल फॉर्म में, या फिर जो मेजोरिटी केस में हो रहा है दे आर इन अ पॉजिटिव फॉर्म, डोनेट दी इलेक्ट्रॉन। सो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। उसके बाद क्या करना है, अगर सपोज वी टॉकिंग अबाउट क्रोमियम, सो क्रोमियम में यहाँ पे क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 24, 18, 19, 21, 22, 23, 24, सॉरी 18, 19,
19, 20, 21, 22, 23 and 24. ओके सो सभी एक एक इलेक्ट्रॉन ही है. अभी मैं ये सोच रहा हूँ दैट माई क्रोमियम इज इन प्लस थ्री फॉर्म. अगर ये प्लस थ्री फॉर्म में है तो पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम दी फॉरेस्ट, देन ये वाला. ये तो आपने पढ़ा है, भले ही लास्ट में एड थ्री डी में हुआ. अगर बात कर रहे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की, देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम दी फॉरेस्ट. पहला कहाँ से रिमूव होगा, फ्रॉम दी फॉरेस्ट. फिर उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम माइनस वन कर सकते हैं. ठीक है, अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4. अभी आप ठीक से देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, टू पॉसिबिलिटी फॉर लिगेंड्स. लिगेंड कैसे ज्वाइन हो गए, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप करेंगे, मतलब वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी लिगेंड एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल. नो, लिगेंड क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब उसको पूरी खाली ऑर्बिट चाहिए कुछ इस तरह की, जहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड से हो. सो पहली ये पॉसिबिलिटी दिखती है, जहाँ पे खाली दिखे वहाँ पे बॉन्ड बना दे. सेकंड पॉसिबिलिटी, व्हाट इज सेकंड पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उन सबको पेड कर दे, ये दोनों को निकाल के यहाँ पे रख दे, फिर यहाँ पे जगह बन गई है. सो जब भी दोस्तों एज पर एज वीबीटी थियरी, जब भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, इन दी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखा जाएगा. डोनेट करा है तो प्लस फॉर्म कौन सा है वो देखना है. उसके बाद दोस्तों देखना है नेचर ऑफ द लिगेंड. नेचर ऑफ द लिगेंड के बेसिस पे हम ये कहेंगे दैट पेयरिंग हो रहा है या फिर जहाँ पे जगह है वहाँ पे एडजस्ट हो रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक सिंपल एग्जांपल समझना है और ये कंसेप्ट पूरा डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा. ये यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगी, बट अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया देन इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट लेक्चर में मेन वर्क करने वाले हैं वहाँ से डायरेक्ट आपको एमसीक्यू पता चल जाएगी. ओके सो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमारे पास जो भी मेटल है उसके साथ लिगेंड किस तरह से जुड़ सकते हैं. सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो और क्लासरूम की फर्स्ट बेंच पे आप में से कोई दो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हैं और कैपेसिटी ऑफ दैट बेंच इज़ ओनली टू स्टूडेंट, दो ही स्टूडेंट वहाँ पे बैठ सकते हैं. और फिर आपको ऑल ऑफ सडन पता चलता है दैट टू न्यू स्टूडेंट आर कमिंग इन योर क्लास, आपके क्लास में दो नए स्टूडेंट आ रहे हैं. और दोनों स्टूडेंट को देखने के साथ ही आपको पता चलता है इन दोनों को तो कहीं देखा है, फिर आपको याद आता दैट कल हमने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ में हमने ये देखा था दैट ये दोनों स्टूडेंट का फोटोग्राफ था और साथ में लिखा था ये दोनों स्टूडेंट अपनी पुरानी स्कूल छोड़ के नई स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं. बिकॉज ऐसे तो न्यूज़पेपर में नहीं आएगा या फिर चैनल में नहीं आएगा. मेजर था उसका रीज़न, कौन से रीज़न से वो अपनी स्कूल छोड़ के दूसरी स्कूल में आ रहे, रीज़न ये था ये दोनों को जो स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पे प्राइमरी या फिर केजी के बच्चे परेशान कर रहे थे. मतलब ये इतने हिम्मत वाले, इतने स्ट्रांग है, केजी के बच्चों ने परेशान किया सो इन्होंने स्कूल छोड़ दी. ऐसे स्टूडेंट आ रहे सो आपके दिमाग में इमेज फिक्स है ये तो केजी के बच्चों से डर के चला गया और आपकी बेंच पे आके ये बोलेगा मेरे को यहाँ पे बैठना है, आप क्या कहोगे, चल निकल जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे नहीं बैठने दूंगा. बिकॉज आपको पता चला है वो वीक है. ओके ये पहली कंडीशन हुई. सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन फिर से आप पहली बेंच पे हो, फिर से दो नए स्टूडेंट आ रहे हैं और फिर से आपको पता चला इन दोनों को तो कहीं पे देखा है, न्यूज़ चैनल में देखा था. क्या न्यूज़ चल रही थी, दो स्टूडेंट जेल से मतलब क्राइम करके वो जेल चले गए थे, वहाँ से फ्री होके अभी आ रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं. क्यों चले गए थे, बिकॉज क्लास में कोई बेंच पे बैठने पे उनका झगड़ा हुआ था और उन लोगों ने मर्डर कर दिया उसके साथ ही स्टूडेंट का और वो फिर आपके यहाँ पे एडमिशन ले रहे. इन दैट केस वो आपकी बेंच पे आके बोलेंगे मेरे को यहाँ पे बैठना है, आप क्या करोगे, नहीं बैठ भाई तेरी ही बेंच है, मैं तो पीछे चला जाऊँगा, बिकॉज आपको पता चला वो स्ट्रॉन्ग है. सिमिलर दोस्तों यहाँ पे भी होगा इन वैलेंस बॉन्ड थियरी. सपोज जो अभी हमने बात की थी, अगर हम क्रोमियम की बात करें, जेड इज इक्वल टू 24, आर्गोन इज देयर, दिस इज 3D एंड दिस इज 4S. हमको मालूम था दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 18 23. अभी दोस्तों आप यहाँ पे ठीक से देखो, अगर क्रोमियम प्लस 3 है
चलो क्रोमियम प्लस थ्री, ओके दिस इज क्रोमियम प्लस थ्री। सो पहले कहाँ से निकलेगा 4s, देन ये दोनों निकलेंगे। अभी दोस्तों हम ये सोचे, यहाँ पे छः बना दो, गए दो ही बने। अभी दोस्तों हम ये सोचे यहाँ पे कोई वीक लिगेंड आ रहा है, वीक लिगेंड, वीक मीन्स वो केजी वाले बच्चों से परेशान होकर आ रहे, और ये आप हो ये, और आपको मालूम है 3D देन 4S, उसके बाद 4P है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 4D भी है, अगर नीड वहाँ पे है देन 4D इज ऑल्सो देयर। और यहाँ पे आके आपके पास खड़े रहते हैं, मेरे को बैठना है, आप थोड़े आगे चले जाओ, आप क्या करोगे, चल चल निकल ये बेंच पे, मैं अकेला ही बैठूंगा, क्योंकि आपको पता है दैट लिगेंड इज वीक। सो वो क्या करेंगे, उसको जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे अपना बैठना शुरू कर देंगे, मतलब यहाँ से। हाँ, उसको पूरी खाली और भी चाहिए, क्यों, क्योंकि लिगेंड कम्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन, उसको तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बोन बनाना है, इस तरह से ही आएगी। यहाँ पे अगर आते तो एक ही इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, नॉट इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप डोनेटिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बोन। सो आपने जगह नहीं दी, आप सिंगल सिंगल हो, आपने पेयर होना मुनासिब नहीं समझा, इसके तो चल जाएगा। सेकंड कंडीशन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो मर्डर वाला है, और यहाँ पे आके बोलेंगे मेरे को यहाँ पे बैठना है, आप पहले ही यहाँ से खड़े होकर यहाँ पे चले जाओ, इसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो ये जगह खाली हो जाएगी और यहाँ से उसका बैठना शुरू हो जाएगा। सो अभी के लिए आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, मैं तीन अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड बता रहा हूँ, अभी के लिए 2 या 3 लेक्चर तक आपको इतना ही, 2 या 3 लेक्चर तक इतना ही याद रखना है दैट स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से है। अभी ये याद रखना, कल के लेक्चर में इसकी बहुत ही ज़रूरत होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पर्टिकुलर अभी के लिए अमोनिया, CO एंड Cl-, अभी के लिए आपको इन तीन को एज अ स्ट्रॉन्ग समझना है, बाकी को वीक समझ लो, ये वो मर्डर वाले हैं, बाकी सब वो केजी वाले हैं, ठीक है। सो अगर इनमें से कोई लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और इनमें से अगर कोई लिगेंड नहीं है, दूसरे कोई लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। अभी पेयरिंग होगी या नहीं होगी उससे अलग क्या है दोस्तों, बिकॉज हमको जो कॉम्प्लेक्स मिलने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स में दोस्तों मेजोरिटी मेटल की कौन सी ऑर्बिट होगी, मेटल की, याद रखना दोस्तों, ठीक से एकदम याद रखना है आपको, मेटल की कौन कौन सी ऑर्बिट होगी, N-1D NS-NP, ये पहली पॉसिबिलिटी है किसी मेटल की, N-1D NS-NP। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमियम, सो क्रोमियम के लिए N इज इक्वल टू 4, सो N-1, 3-1 इज इक्वल टू 3D प्लस 4S प्लस 4B, N-1D NS-NP। या दूसरी पॉसिबिलिटी है किसी मेटल की, कौन कौन सी, दैट NS-NP एंड ND, NS-NP और ND। सपोज सिमिलर केस क्रोमियम के लिए कौन कौन सी, 4S 4P एंड 4D। मेजोरिटी केस में ये दोनों में से कोई एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अगर दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे n इज इक्वल टू एक्सेट्रा जो भी हो उससे एक नंबर अंदर की डी काम आ रही है। इफ दिस n इज इक्वल टू 4 देन यहाँ पे क्या होगा 3D, इफ देन इस दिस n इज इक्वल टू 6 यहाँ पे क्या होगा 5D, दैट्स वाई इनर ऑर्बिटल NS-NP-ND। जो भी n एस है उसके बाहर वाला अगर d यूज हो रहा है, इफ n इज इक्वल टू 4 एंड वी आर लुकिंग विद दी 4D, सो वी कैन के आउटर, दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको भी ये पता होगा इनर कब बनेगी और आउटर कब बनेगी। अगर दोस्तों स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुए तो ही इनर बनेंगे मेजोरिटी केस में। क्यों इनर बनेंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए उसका काम क्या है, उसको सेंटर से जितना पॉसिबल हो उतना नज़दीक जाना है, बीच में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फिर चप्पू दिखाएगा, चल निकल 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 अपनी जगह बना लेंगे, इफ दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। फिर वो कहाँ पे तक चले जाएंगे, N-1D तक चले जाएंगे। अगर जो लिगेंड आ रहे दे आर वीक, उसका भी इंटेंशन यही है जितना सेंटर से नज़दीक हो वहाँ तक जाना है, बट यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसकी खुद की अपनी दादागिरी है, ये प्लेस हम नहीं छोड़ेंगे,
सो क्या करेंगे, नज़दीक से नज़दीक जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे सेट हो जाएंगे, नज़दीक से नज़दीक जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे सेट हो जाएंगे। सो इन दी टर्म ऑफ वीक लिगेंड हमको ज़्यादातर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहे तो हमको ज़्यादातर इनर, मेजोरिटी केस में ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। सपोज दोस्तों हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, सपोज हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स विद दी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तब क्या होगा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है देन टू पॉसिबिलिटी उसके हाइब्रिडाइजेशन की, कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, और दो पॉसिबिलिटी मैं आपके सामने रखता हूँ, दैट इज N-1D NS एंड 2P। हियर NP इज इक्वल टू एक्चुअली PX PY एंड PZ। सो आउट ऑफ 3 पी ऑर्बिटल्स PX PY PZ, टू ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन, सो DSP2 ये पॉसिबिलिटी है। कैसे बनेगी उसकी बात दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वही काम करेंगे। DSP2 अगर DSP2 रही तो उसका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा होगा, स्क्वायर प्लानर होगा उसका स्पेशल अरेंजमेंट, स्क्वायर प्लानर मतलब इस तरह से एक ही प्लेन में होंगे। जो कल हमने मेजोरिटी एग्जांपल देखे थे, मे बी कल का एग्जांपल अभी भी हमारे पास हो, यस इस तरह के होंगे। जहाँ पे अभी मेरी उंगली दिख रही है दिस इज सेंट्रल मेटल, और यहाँ पे रहेंगे लिगेंड्स, ये सभी क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए। सो वी कैन से स्क्वायर प्लानर। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज SP3 हाइब्रिडाइजेशन इज SP3, सर ये तो VBT में 11 से ही पढ़ते आए हैं, कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। अगर नॉर्मल कंपाउंड की बात करो आपको पर्टिकुलर किसके बारे में पता है, टेट्राहेड्रल मीथेन, आपने बेस्ट एग्जांपल जो पढ़ा था दैट इज मीथेन, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी टेट्राहेड्रल ही होगा अगर SP3 हुआ। अगर दोस्तों हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, मेजोरिटी यही मिलेगी, ये दोनों या फिर ये दोनों, बाई चांस हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले मिलते हैं, सो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DSP3। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है DSP3 के अलावा? उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी है दैट इज SP3D, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर DSP3 हुआ देन वी कैन से इनर ऑर्बिटल N-1D, अगर D आगे है दैट मींस N-1D, डी पीछे इट मीन्स ND। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी होगी, वीक लिगेंड की, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। इन दैट केस उसका अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है दैट इज D2SP3 एंड SP3D2। आपको पता चला होगा D2SP3 मेजोरिटी केस में, D2SP3 मेजोरिटी केस में कैसे मिलेंगे, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, बिकॉज N-1D इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। SP3D2 कब मिलेंगे, मेजोरिटी वीक लिगेंड आउटर ऑर्बिटल ND NSNP ND N-1D NSNP, दैट्स व्हाई। दोनों केस में दोस्तों हमको क्या मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल। दोनों केस में जो हमको शेप मिलेगा दैट शेप इज ऑक्टाहेड्रल। अभी दोस्तों यहाँ पे किसी का भी शेप मैं ड्रॉ करके ना दिखाऊँ तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DSP2, ये आपके सामने है। अगर दोस्तों हम SP3 की बात करें, ये भी बेसिकल आपने पढ़ा हुआ है दैट यहाँ पे क्या है, मेटल आयन लिगेंड 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 एंड ऑन द टॉप ऑफ द चौक लिगेंड 4 ओके। उसके बाद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड समथिंग लाइक दिस। इसको प्रॉपर दोस्तों ट्राइंगल समझना है, इसको प्रॉपर ट्राइंगल समझना है नहीं बट समझ लो, अज्यूम करो, साइंस वाले कुछ भी कर सकते हैं। चलो हम बना ही देते हैं, ट्राई करते हैं ओके। यहाँ पे सेंटर में दोस्तों, सेंटर में क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट इन दी सेंटर लिगेंड होगा, सॉरी मेटल होगा, लिगेंड 1 2 3 4
5. अगर दोस्तों इन तीनों को ऊपर के ओर हम ज्वाइन करें देन वी विल गेट पिरामिड, नीचे के ओर ज्वाइन करें देन वी विल गेट अगेन पिरामिड. सो बाई पिरामिड विथ ट्राइंगल शेप, सो वी कैन से ट्राइगोनल बाई पिरामिड. उसके बाद क्या होगा, ऑक्ट्राहेड्रल. इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑक्ट्राहेड्रल क्या होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से देर आर फोर लिगेंड्स 1, 2, 3 and 4, फोर लिगेंड्स और फोर डोनर एटम इन द सेंटर. उसके बाद वन इज अबव द ब्रेन, वन इज बिलो द ब्रेन, ये चारों को जोड़ दो 1, 2, 3, 4, यू विल गेट टोटल 4 फेसेस. नीचे जोड़ो 1, 2, 3 and 4, अगेन यू विल गेट मोर 4 फेसेस. सो दैट इज ऑक्टाहेड्रल. ये दोनों सॉरी ये इसका स्पेशल अरेंजमेंट होगा. अभी अगर आपको पता चल गया एनी हाउ इन एनी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, अगर आपको ये पता चल गया दैट दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, यही हाइब्रिडाइजेशन है, सो उसके अगेन आप उसकी जियोमेट्री फाइंड आउट कर पाएंगे पर कर पाओगे. सो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. चलो उसमें ये सब काम आएगा हमको, ये भी व्हाट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, व्हाट इज वीक लिगेंड, इनर ऑर्बिटल क्या है, आउटर ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है, ये सभी दोस्तों हमको नेक्स्ट लेक्चर में काम आएंगे. उसके अलावा भी यहाँ पे एक लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट वी कैन नॉट लर्न फ्रॉम द वर्नर थियरी, वो भी दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ पाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पढ़े दोस्तों. उससे पहले बिफोर दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर देयर, ओनली मेटल्स आर देयर. सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट Cu+2, अगर दोस्तों हम Cu+2 की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस Cu+2, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली Cu+2 आयन. दिस Cu+2 इज अगर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखे, इट इज़ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. कैसे पता चलेगा सर, कुछ नहीं करना है, Cu की इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे हमको पता है Z=29, सो आर्गोन, आर्गोन मीन्स 18. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 3D एंड देन 4S. अगर अरेंजमेंट करें 18+90, ये स्पेशल केस है, यहाँ पे 4S2 नहीं होगा, 4S1 ही होगा. सो 18+19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. अभी दोस्तों Cu+2 करना है, ओके दिस इज Cu+2, सो 1 फ्रॉम द 4S और ये यहाँ से चला जाएगा. सो आप अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करो तो आपके पास एक क्लियर फंडा है दैट इफ देयर इज अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, अगर आपको कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, देन वी कैन से और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक है. इफ देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या फिर जितने सभी के सभी पेड इलेक्ट्रॉन है, देन वी कैन से उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक. क्लियर है, क्लियर है. अगर आपको मिनिमम एक या फिर एक से ज़्यादा अनपेड सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, देन वी कैन से पैरामैग्नेटिक. अगर आपको एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना मिले, इंडिविजुअल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना मिले, या फिर जितने सभी के सभी पेड है, देन वी कैन से डायमैग्नेटिक. ओके, इन सिमिलर केस दोस्तों इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. ये तो बात हुई इन कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन आयंस. कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में भी सपोज कोई इस तरह का लिगेंड है, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का लिगेंड है दैट दिस इज मेटल, और मेटल के साथ X6 है, और हमको दिस X6 इज वीक लिगेंड, ये X6 कैसा वीक लिगेंड है. सो हमको ये मिलता है दैट XYZ उसका जो भी नंबर हो, आर्गोन. उसके बाद यहाँ पे क्या है, दैट इज 3D के बाद 4S एंड आफ्टर 4S 4P इज देयर, और यहाँ पे दोस्तों इतने इलेक्ट्रॉन फिक्स है, अभी इतने इलेक्ट्रॉन है. सो
सो देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है। चलो अगर सपोज करें और अभी यहाँ पे कोई लिगेंड अटैच होने के लिए आ रहे हैं, बट देट लिगेंड्स आर सिक्स, मतलब सिक्स मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड्स आ रहे हैं, बट वो वीक है, तो ये क्या करेगी? ये दोनों को ऐसे बोल पाएंगे चलो भाई थोड़ी जगह दे दो? नहीं बोल पाएंगे, वो यहाँ से शुरू कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2 इन विच केस? जब वो वीक हो तब। दोस्तों आप ठीक से देखो, यहाँ पे आपको मेजोरिटी केस में क्या मिलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब वीक लिगेंड हो। सो मेजोरिटी केस में दोस्तों जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिले, जब वीक लिगेंड हो, तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कंपलसरी नहीं है, तब वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है, इट मीन्स दे आर, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी? उसकी मैग्नेटिक होगी पैरामैग्नेटिक। अगर दोस्तों इसी जगह पे हमने जो सोचा, अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो वो क्या करेंगे? चल भाई दोनों एक एक इसको निकाल के यहाँ पे रख देंगे, चल निकल, और वो खुद यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। सो हमको क्या देखने को मिलेगा? मेजोरिटी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मेजोरिटी केस में वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, कंपलसरी नहीं मिलेंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी केस में नहीं मिलेंगे। तब हम क्या कहेंगे? तब हम ये कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर दिस कंपाउंड इज मैग्नेटिकली पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इट मीन्स डायमैग्नेटिक। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो हमको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तब हमको डाया मैग्नेटिक ही मिलेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सपोज कुछ इस तरह से डी ऑर्बिटल है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहे हैं, बोला चलो मेरे लिए यहाँ पे जगह छोड़ो, तो हम क्या करेंगे? इसको बोलेंगे चल भाई तू आगे आ जा, इसको बोलेंगे चल तू भी आगे आ जा। व्हाट अबाउट दिस? तीन तो सेट नहीं होंगे, मिनिमम दो, मैक्सिमम दो। सो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है फिर भी यहाँ पे हमको एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक है। चलो जितने भी डायमैग्नेटिक है, जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी अगर टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करें म्यू, जिसको हम किससे काउंट करेंगे? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू से काउंट करेंगे, विद बोहर मैग्नेटन इज द यूनिट। अगर कोई कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू जीरो बी एम, जीरो बाई जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू, प्लस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, अंडर रूट जीरो इज इक्वल टू जीरो। बट अगर दोस्तों वहाँ पे मिनिमम एक और मैक्सिमम एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दे आर पैरामैग्नेटिक, तो फिर उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की मोमेंटम म्यू कितनी है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। यही फॉर्मूला से, इफ एन इज इक्वल टू वन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देन वी कैन राइट वन इंटू वन प्लस टू, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, थ्री इंटू वन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू 1.73। सिमिलर केस दोस्तों आपको एक बार कैलकुलेट कर देने, इफ एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे कहाँ तक के मिलेंगे? एन इज इक्वल टू फाइव तक के मिलने वाले हैं। सो आपको थियोरेटिकल, इसको ये प्रैक्टिकल वैल्यू से थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट थियोरेटिकली हम ये कह सकते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ तक पहुँचेगी बोहर मैग्नेटन में। ओके दोस्तों, कल के लेक्चर में ये पूरे कॉम्प्लेक्स जितना भी आज हमने पढ़ा उन सबको यूज़ करते हुए डायरेक्टली हम कोई कंपाउंड लेंगे। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट NiCl4-2, सो NiCl4-2 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम दैट हाइब्रिडाइजेशन हम ये फाइंड आउट करेंगे उसका जियोमेट्रिकल शेप क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, और उसके साथ अनपेड इलेक्ट्रॉन है या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके रिलेटेड हम पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे। अगर पैरामैग्नेटिक है तो फिर उसका म्यू कितना है, दैट वी विल कैलकुलेट। सो एक ही फॉर्मूला बनेगा, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों, ये NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट है। कई बार आपको यही कॉन्सेप्ट में अगर कुछ ज़्यादा लेवल तक कन्फ्यूज करना है, मतलब यहाँ पे आप रेशियो देखो, 1d ऑर्बिट
वन एस ऑर्बिट एंड टू पी ऑर्बिट, वन जेम टू, ये रेशियो आगे पीछे हो सकता है, वन जेम टू, इसको अगर आप लिखो वन जेम टू जेम वन, या फिर आप इसको लिखो टू जेम वन, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, टोटल ऑर्बिट आर फोर, उनमें से दो इक्वल है और बाकी की दो अलग है, टोटल थ्री टाइप्स, उसमें से दो इक्वल और ये दोनों अलग, अगर ये रेशियो मिला देन वो स्क्वायर प्लानर ही होगा। सिमिलर केस एस पी थ्री को आप वन जेम थ्री या थ्री जेम वन लिख सकते हो, वन जेम थ्री या फिर थ्री जेम वन, तब उसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम एम एन ओ फोर पढ़ने वाले हैं, ये मैं कराऊंगा आपको एम एन ओ फोर, और एम एन ओ फोर कॉम्प्लेक्स का जो शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल, बट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एम एन ओ फोर इज नॉट एस पी थ्री, वो एस पी थ्री नहीं है, बट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एम एन ओ फोर इज थोड़ा दोस्तों ओड हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज डी थ्री एस। अगर आप यहाँ पर रेशियो देखो थ्री जेम वन और वन जेम थ्री, वन जेम थ्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। सिमिलर केस वन जेम थ्री और वन जेम थ्री जेम वन और थ्री जेम वन ट्राइगोनल बाई पिरामिड, टू जेम वन जेम थ्री या फिर वन जेम थ्री जेम टू ऑक्ट्राहेड्रल, ये दिमाग में रहना चाहिए। आप चाहो तो आज का वीडियो रिपीट 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 करके देखो, इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, इसके इससे हेल्प से हमको आगे के लेक्चर में बहुत फायदा होगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।